नमस्कार, संपर्क खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुबह सिंह। शुरुआत करते हैं खबरों की। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में एक तरफ बीजेपी सरकार विकास यात्रा निकाल रही है, तो वहीं कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा निकाल रही है। बीजेपी सरकार की विकास यात्रा का असर लोगों पर हुआ है या नहीं, लेकिन कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का असर नजर आने लगा है। जहां जिला कांग्रेस कार्यालय में करेरा विधानसभा क्षेत्र और पोहरी विधानसभा क्षेत्र के बीच में बसे नरवर तहसील में 35 लोग पहुंचे, जहां जिला कांग्रेस अध्यक्ष विजय सिंह चौहान के समक्ष कांग्रेस पार्टी में सदस्यता ग्रहण की। वहीं कांग्रेस जिला अध्यक्ष का कहना है कि कांग्रेस की 15 महीने चली सरकार के कार्यों से और कमलनाथ से ये लोग प्रभावित होकर कांग्रेस में शामिल हुए हैं। आज नरवा ब्लॉक से अभी अभी रिटायर हुए कमिश्नर ऑफिस ग्वालियर से लक्ष्मण दास जी कोहली कांग्रेस की नीतियों से प्रभावित होकर कांग्रेस की सदस्यता उन्होंने ग्रहण की है। उनके साथ में जो संख्या है वो तो 100 से ऊपर है, लेकिन आज 35 लोगों ने सदस्यता आज ग्रहण की है। किस क्षेत्र के रहने वाले लोग हैं ये? करारा विधानसभा के हैं, कुछ नरवा पौरी विधानसभा से हैं। नरवा ब्लॉक के क्या दो दो टुकड़ों में है, कुछ पौरी में भी आता है, कुछ कर्रा विधानसभा में आता है। तो दोनों विधानसभाओं से करीबन आज 35 लोगों ने आज कांग्रेस की सदस्यता मानी। हमारे लोकप्रिय प्रदेश के अध्यक्ष कमलनाथ जी के 15 महीने के कार्यकाल से प्रभावित होकर आज कांग्रेस सदस्यता ग्रहण।